चैनल चित्रा शर्मा और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज संडे है और राहुल जी मुझे घुमाने लाए उनके खेतों में, मतलब उनके तो नहीं है, उनके रिलेटिव में ही है किसी के। और यहाँ एक टेंपल भी है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट ठीक है। बोर हो रहे थे घर पे क्योंकि डेली कॉलेज जाने की आदत है और दिन भर बिजी शेड्यूल रहता है, तो दोनों को ही बुरा लग रहा था, इसलिए घूमने आ गए। वैसे भी हम यहाँ पे जब से आए ना, जब से बस ये सेकंड टेंपल है यहाँ हम घूमने आए, मतलब दूर कहीं बात करें तो पास में तो काफ़ी सारे टेंपल हैं, तो इस हिसाब से। और आप लोग भी वीडियो एंजॉय कीजिए और मैं भी अपना संडे एंजॉय करती हूँ। गाइस ये वो टेंपल है यहाँ हम घूमने आए थे और ये खेतों के बीच में है, काफ़ी घर से काफ़ी दूर है लेकिन अच्छा टेंपल है, बहुत बहुत अच्छा टेंपल है और काफ़ी अच्छी वाइब्स भी आ रही थी यहाँ पे। और खुला वातावरण था पूरा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के और शांति भी थी थोड़ा, जो मंदिरों में होती है, अच्छा लगा। मतलब ये यहाँ पे एक और टेंपल है और छोटा सा ही मंदिर है, मतलब ऐसे ही जो पूजा करते हैं लोग, मुझे नहीं पता क्या, गणेश जी का स्थान था। और ये खेत हैं, आप देख सकते हैं चने लगे हुए हैं यहाँ खेतों में और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज घूम के। ये देखिए वो रहा सामने मंदिर और ये पूरा खेत है, इधर बहुत सारे खेत हैं इधर। ये आप देख सकते हैं पीछे खाना बनाने की जगह भी है यहाँ पे, अगर कोई आना चाहे कुछ भी पूजा पूजा अगर बड़ी करते हैं या कुछ भी पता नहीं क्या होता है पिकनिक के हिसाब से, मतलब तो खाना बनाने का भी स्थान है। ये वो रास्ता है यहाँ से निकल कर जाते हैं, काफ़ी पतला रास्ता है और आसपास में झाड़ियाँ भी हैं और खेत भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेर लगे हुए, ये तो कच्चे हैं और आगे आप देखेंगे काफ़ी सारे पके हुए बेर थे। मेरा तो बहुत मन था खाने का, आप देखिए काफ़ी सारी बेरियाँ लगी हुई थी यहाँ पे, तो मेरा बहुत मन था खाने का बट मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी अभी मेडिसिन चल रही है तो मुझे अलाउ नहीं है खाना। मैंने बहुत कोशिश की चुपके से खा लूँ बट खा नहीं पाई मैं, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, मैं इसी जगह पर गई और मैं खा नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, तबीयत ठीक रहेगी तो बाद में भी खा लेंगे, बट मुझे अच्छा लगा। और ये देखकर तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए और स्पेशली बेर खाने में दोबारा जाऊँ वहाँ पे। मैंने बेर तोड़ लिया, मेरा खाने का भी बहुत मन है लेकिन मेरा पहले से ही गला लगा हुआ है तो मैं ये इनको खिलाऊंगी, लो आप खा लो। मुझे बेर बहुत पसंद है लाइक, बट मैं इसको खा नहीं सकती। मैं ये चीज़ ज़रूर मिस करूँगी कि इस तरह यहाँ, मतलब इतनी अच्छी जगह आने के बाद मैंने अपने हाथों से बेर तोड़ा, काफ़ी टाइम बाद, बचपन में तोड़ते थे लेकिन जब से बड़े हुए तब से मैं इस चीज़ को मिस करूँगी कि मैंने तोड़ा लेकिन खा नहीं पाई और मेरी हाइट भी नहीं थी, हाइट से ऊपर जाके मैंने तोड़ा है फिर भी मैं उसको खा नहीं पाई। राहुल तो अभी तोड़ने में लगे हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बट अगर वो नहीं होते तो मैं खा लेती लेकिन मैं खा नहीं सकती, कोई बात नहीं दोबारा आ जाएंगे फिर से। मेरे को दे दो,
संभल के देखो, वो लाल लाल लगा देखो, ये रहा कितना रेड रेड, ये तोड़ दो ना मेरे लिए। अच्छा खुद ही खा लेना, तोड़ तो लो, बिल्कुल रेड हैगा। सो गाइस, अब हम लोग वापस घर की ओर जाने लगे थे और आज का इवनिंग का टाइम काफ़ी अच्छा गया हमारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब इन्जॉय किया मैंने इतने कम टाइम में भी। और आप देख सकते हैं चारों तरफ खेती खेते हैं, मतलब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा था वहाँ का, शांत वातावरण सब कुछ, तो आप भी इसको इन्जॉय कीजिए। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे एंड अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि भूख लग रही है और 5:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैं करूँगी अपना मेकअप वीडियो शूट एंड मेकअप वीडियो शूट खाना बनाने के बाद, खाने के बाद मेकअप वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, और मेरी वीडियो कम्प्लीट हो गई, मेरा शूट कम्प्लीट हो गया है, अब मैं जस्ट मेकअप रिमूव करने वाली हूँ और अभी मुझे दीपक लगाना है, शाम का टाइम हो गया है। खाना हम लोग खा चुके हैं और इसके बाद थोड़े बर्तन बर्तन मुझे साफ करने, देन वीडियो एडिटिंग करूँगी और मूवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। सो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, अभी मैं बस मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ। वैसे तो मेकअप रिमूव करने के बाद ड्रेस चेंज करूँगी, इसके बाद मुझे भगवान के दीपक लगाना है और फिर बस बाकी का जो है एडिटिंग करने में बैठ जाऊँ। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हे गाइस, अभी 9:30 बज गए हैं और हम इस ब्लॉगिंग का यही एंड कर रही हूँ और अभी मैं बस इसकी एडिटिंग की तैयारी कर रही हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, छोटा सा ही ब्लॉग था, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया मैंने और बहुत लेट स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब टाइम नहीं बचा है, 9:30 हो चुके हैं, एडिटिंग वगैरह कर दूँगी तो सोने का टाइम भी हो जाएगा, तो और क्या दिखाऊँ, दिखाने लायक कुछ था नहीं, तो इसीलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।